Welcome to all the viewers to this channel, Awareness of Legal Fraternities. Most of the viewers have already viewed series of videos prepared by me, and in that continuation, this video is again before you concerning CPC. Some of the viewers, especially the students and beginners in the profession, law profession, and young judicial officers who are under training, they have suggested me to speak in Hindi mostly, if necessary in English. So henceforth I have decided to continue my lecture series in mixed language, Hindi as well as English, wherever it would be necessary to refer any provision of law or any decision of the High Court or Supreme Court. I would like to refer in English, and then I will also try to explain the law, either statutory law or the law which has been settled by the Honorable Apex Court or the concerned High Courts. तो आज के इस कड़ी में आप लोग जानेंगे CPC के बारे में. पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जहां तक हमको याद है, तीन वीडियो CPC से कंसर्निंग है, लेकिन उसमें कुछ और भी सब्जेक्ट्स के बारे में कहा गया है. उसकी वजह यह है कि वो तीनों वीडियो जुडिशियल ऑफिसर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मैंने लेक्चर दिया था, उसी से संबंधित था, और उसी को रिकॉर्डेड जो वीडियो था चैनल पर अपलोड किया गया था. हमारा ये प्रयास है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी क्लासेस होते हैं, तो मिनिमम एक क्लास 50 मिनट का होता है. तो 50 मिनट भी काफी होता है, लेकिन मेरा ज्यादातर क्लास कंटिन्यूअस रहता है, दो क्लास, तीन क्लास, कभी कभी चार क्लास भी कंटिन्यूअस हो जाता है. तो इसलिए बहुत लंबा लंबा वीडियो मेरा मिलेगा, और ऐसा बहुत सा वीडियो अवेलेबल है जो अभी अपलोड नहीं किया जा सका है, वो टेक्नीशियन की कमी के कारण, और उसमें कुछ एडिटिंग करने की आवश्यकता है. क्योंकि क्लासरूम में जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो वहाँ का जो बीच में प्रश्नोत्तर काल होता है, या बीच में भी जो ऑफिसर्स लोग सवाल करते हैं, तो उसको भी आंसर करना पड़ता है. क्योंकि मकसद तो है अवेयरनेस लाना, तो जो टॉपिक असाइंड रहता है, जो रूटीन रहता है, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं, लेक्चर देते हैं. लेकिन जो जो प्रॉब्लम है, खास करके जो जुडिशियल ऑफिसर्स लोग ऑलरेडी काम कर चुक रहे हैं, उनको जो एक्सपीरियंस होता है, उसके आधार पर उनके सामने जो प्रॉब्लम आता है, उसका सॉल्यूशन के लिए प्रश्न होता है, तो वो सबसे फर्स्ट एंड प्राइमरी वो ऑब्जेक्टिव होता है कि उसी को हम पहले एक्सप्लेन करें. तो उसे न्यू कमर्स जो लोग आते हैं, जिनका प्रोग्राम ज़्यादा चलता है, जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो उनका लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, तो उनके लिए भी ये बताना थोड़ा डिटेल में आवश्यक होता है. अब इसी क्रम में जब मौका मिलेगा, तो हम छोटा वीडियो अपलोड करेंगे, और उसी क्रम में ये वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है. इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और हो सकता है कि जो प्रोविजंस आज हम बताएंगे, वो पहले के हमारे रिकॉर्डेड वीडियो में मिक्स्ड रूप में वहाँ भी कुछ उसका रेफरेंस आपको मिला होगा. लेकिन आज का ये जो टॉपिक है, ये खास करके है थ्री पार्ट्स ऑफ CPC. ये ध्यान रखिए, थ्री पार्ट्स ऑफ CPC का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जानना और समझना कितना आवश्यक है. या तो स्टूडेंट हो जो लॉ की तैयारी कर रहे हो, या जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हो, या लॉ से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट हैं जो लॉ को सही तरह से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, उनके लिए भी जरूरी है. और जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं,
या जो जुडिशियल ऑफिसर है जिनको कि जजमेंट देना पड़ता है, तो सिविल ट्रायल्स में जितना भी प्रॉब्लम्स आता है और उसका एडजुडिकेशन करने के लिए उनके पास क्या क्या टूल्स है, तो उसी में एक सबसे बड़ा टूल्स है, चूंकि आप सभी जानते हैं कि टोटल प्रोसीज्योर सिविल लिटिगेशन में सीपीसी का ही लागू होता है। तो जहां पर सूट से संबंधित है या सीपीसी के अंदर बहुत सारा प्रोसीडिंग्स भी होता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हुए 3 पार्ट्स के सिग्निफिकेंस को आज हम बात करेंगे। तो आज का ये टॉपिक है 3 पार्ट्स ऑफ सीपीसी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जहां पर आवश्यकता होगी वो प्रोविजन को भी हम पढ़ के सुनाएंगे, और रेलिवेंट जजमेंट अगर होगा तो वो भी आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर में पासिंग रेफरेंस में ऐसा हमने कहा भी था और आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये सीपीसी 4th CPC है हम लोग के पास, इसके पहले 3 CPC हो चुका था, तो 2 CPC में सेक्शन ही था, 3rd CPC में उसको अरेंज किया गया ऑर्डर एंड रूल्स में। अब लोग प्रैक्टिस में क्या है, एज ए लीगल प्रैक्टिशनर जो मेरा अनुभव है वही अनुभव है कि बार और बेंच दोनों के तरफ से इसको ध्यान नहीं दिया जाता है कि क्यों 3 पार्ट में सीपीसी बनाया गया। दूसरा, 3 पार्ट में अगर है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या यूज है, और अगर उसका यूज नहीं हुआ है, उसको फॉलो नहीं किया गया है या उसका वायलेशन हुआ है, तो उसका क्या कंसिक्वेंसेज होगा, यह समझना भी आवश्यक है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जानना कि पहले के अपेक्षा जब चेंज किया गया बेसिक स्ट्रक्चर सीपीसी का, सेक्शन से ऑर्डर एंड रूल के फॉर्म में लाया गया, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि जितना सिंप्लीफाइड किया जा सके सीपीसी को पढ़ने समझने और इसको अप्लाई करने, एकमात्र उद्देश्य ही था। उसके बाद समय समय पर इसमें जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट्स आते रहे, उसका उद्देश्य भी यही था कि प्रोसीजर को और इजी बनाया जाए और जो डिले होता था डिले को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। अर्जेंसी ऑफ स्पीडी जस्टिस, ये डिमांड 500 साल से चल रहा, क्योंकि पहला जो अनुभव रहा है लिटिगेशन में लोगों का, बार का और बेंच का, कि आज भी आम जनता के मन में ये बैठ गया है कि सिविल लिटिगेशन बहुत लंबा चलता है और उसका नतीजा डिसेस्ट्रस हो रहा है कि जिस डिस्प्यूट में सिविल कोर्ट में जाना चाहिए वो सिविल कोर्ट में नहीं जा करके लोग क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं या मजबूरन आपस में लड़ाई झगड़ा करके मैक्सिमम केसेस क्रिमिनल केसेस सिविल डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट वगैरह से, या जो शेयर का डिस्प्यूट होता है, पार्टीशन का डिस्प्यूट होता है, इससे अराइज करता है। इसलिए अगर सिंप्लीफाइड होगा सीपीसी और कम से कम समय लगेगा डिस्पोजल ऑफ सूट में, जिसके प्रति सभी उत्तरदायी व्यक्ति लगे हुए हैं, लगातार एपेक्स कोर्ट का, हाई कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट आते रहता है और पर्टिकुलर केस में भी डायरेक्शन होते रहता है, और इसको आधार बनाकर लॉ कमीशन भी रिपोर्ट करता है और उसके बाद अमेंडमेंट होता है, पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि कई अमेंडमेंट इधर हुए हैं जो जिसके वजह से बहुत सारी चीज परिवर्तन हो गया है, पहले से ज्यादा शॉर्टकट हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि पहले बयान तहरीर देने के लिए, रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं था। जब 2002 में अमेंडमेंट लागू होगा, अमेंडमेंट तो आ गया था 1999 में ही, लेकिन वो अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, उसके वजह से कुछ डिले हुआ, बाद में वो 2002 में लागू हुआ। तो 2002 के अमेंडमेंट में टाइम लिमिट कर दिया गया, उसके वजह से आज क्या देख रहे हैं, प्रैक्टिकल आप सब लोग भी अनुभव कर रहे होंगे जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कि अब 90 दिन के अंदर बयान तहरीर देना है
ये हर लिटिगेंट के दिमाग में बैठ गया और हर वकील के दिमाग में बैठ गया कि अगर 90 दिन पार कर गया तो या तो एक्स पार्टी हो जाएगा या डिवार्ड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, झंझट बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसा ऐसा कई प्रोविजन है जिसमें कि अमेंडमेंट का प्रतिफल आज हम लोग अनुभव करते हैं। तो पहला पार्ट जो है सीपीसी का वो सेक्शन ही है, जो ओरिजिनल सीपीसी में था सेक्शन मोर देन 1500, उस सेक्शन को सॉर्ट किया गया है। पावर्स जितने थे वो सब पावर्स कोर्ट को वेस्ट करने के लिए सेक्शन बनाया गया था। तो जो भी आज एज ए जुडिशियल अफसर जो सुन रहे हैं, तो वो आप ये समझिए कि आप जो भी पावर कोर्ट में एक्सरसाइज करते हैं अपना, वो सब पावर आपको सीपीसी के अंतर्गत सेक्शन के द्वारा कन्फर किया हुआ है। अलग से कोई पावर देने की आवश्यकता नहीं। क्रिमिनल कोर्ट्स में आपको जुडिक्शन तरह तरह का एक्ट है जो क्रिमिनल ऑफेंस से संबंधित है, उसमें नोटिफिकेशन होता है, जुडिक्शन वेस्ट किया जाता है। इवन मजिस्ट्रेट का जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, तो इसका पावर वेस्ट किया जाता है। इस तरह का सीपीसी में नहीं है। सीपीसी में जैसे अगर आप मुंसिफ बन गए, जो आजकल सिविल जज जूनियर डिवीजन है, या सब जज बन गए, सिविल जज सीनियर डिवीजन है, तो आपको सिविल सूट को एडजुडिकेट करने का पूरा अधिकार है बाय वर्चू ऑफ बीइंग इन ऑफिस। यू पजेसेस ऑल द जुडिक्शन एंड पावर। वेयर फ्रॉम दोज पावर कम्स? दोज पावर कम्स फ्रॉम द सीपीसी इटसेल्फ। और सीपीसी में कहां वो पावर दिया हुआ है? तो सेक्शन में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज करते हैं पावर इंजंक्शन का, करते हैं और रिसीवर का, करते हैं कमिश्नर बहाल करते हैं, सर्वे नोइंग या ऑर्डिनरी कमिश्नर, अटैचमेंट के लिए आदेश करते हैं, इवन आप समन्स कर सकते हैं, वारंट कर सकते हैं, जितना तरह का पावर है, आप ऑक्शन कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ पजेशन दिला सकते हैं, ये सब प्रोविजंस जो है वो सब प्रोविजंस सीपीसी के सेक्शंस में लिखे हुए हैं। तो जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो पहले सेक्शन देखना होगा कि ये प्रॉब्लम को हल करने के लिए मुझको कहां पर पावर दिया गया है सीपीसी में, और इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। पिछले लेक्चर से इतना आप सभी जान चुके हैं, जो नहीं ज्वाइन किए वो जान ले, उनके लिए बता रहे हैं कि आपका सिविल कोर्ट का कंस्टिट्यूशन कैसे हुआ। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड में ये हम बता चुके हैं। तो सिविल कोर्ट का कंस्टिट्यूशन जब हो गया और आप सिविल कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गए, तो साथ ही साथ उसमें ये आपको भी बताया गया था कि आपका पिकुनरी जुडिक्शन और टेरिटोरियल जुडिक्शन सब एस्टेब्लिश्ड है, और आपको जुडिक्शन है उसके बारे में नहीं सोचना है, उस जुडिक्शन के दायरे में आपको काम करना। हाँ, अगर ऐसा कोई केस मिलता है जो आपके टेरिटोरियल या पिकुनरी जुडिक्शन से बियॉन्ड है, तब उस केस के लिए आप उसको प्रॉपर कोर्ट में ट्रांसफर करेंगे या उसको लौटा देंगे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, जहां से वो ट्रांसफर होकर के दूसरे कोर्ट में, अप्रोप्रिएट कोर्ट में जाएगा, या रिटर्न कर देंगे प्लेंट विथ ए डायरेक्शन कि आप इसको प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। लेकिन अगर आपके पिकुनरी जुडिक्शन है, टेरिटोरियल जुडिक्शन में है, तो आपको जो पावर एक्सरसाइज करना है वो पावर आप एक्सरसाइज करेंगे सीपीसी के तहत। जितने भी सेक्शंस हैं वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बटे हुए हैं। उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके लिए एक पर्टिकुलर जो आपका पावर है वो उसमें वो लिखा हुआ है कि आप कौन कौन सा पावर और कब कब किस स्थिति में इस्तेमाल करेंगे। तो जो पावर आपको दे दिया गया सेक्शन के द्वारा, तो उस पावर को फिर कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा और कंसिक्वेंसेस फर्दर क्या होगा, अगर वो एक्सरसाइज हम किए तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे समझिए कि आपको इंजंक्शन का पावर है, तब इंजंक्शन का पावर आप अवेल करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि कौन से सेक्शन में हमको इंजंक्शन का पावर है। अब उस सेक्शन को देखेंगे कि इंजंक्शन का पावर इस सेक्शन में है, तो फिर देखेंगे कि वो कौन सा सेक्शन है जिसमें कि हम वो इंजंक्शन के पावर को कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तो इस क्रम में आप
सिर्फ रेफरेंस के लिए देखिए पार्ट सिक्स, सीपीसी का पार्ट सिक्स जो अलग चैप्टर ही है, वो कहता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का मतलब ये हुआ कि सीपीसी में जो मेन सूट है वो मेन सूट सूट कहलाता है, और हर स्टेज में सूट सूट ही रहेगा अनलेस कि उसका फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हो। लेकिन सूट के पेंडेंसी के दौरान, मुकदमा जब तक चल रहा है, इस बीच में कई ऐसी परिस्थितियां आती है कि कोई भी पार्टी डिफेंडेंट या प्लेंटिफ कोई एप्लीकेशन देता है किसी खास उद्देश्य से, तो उसके लिए जो प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है उसके अंतर्गत, समझिए वो मिनी प्रोसीडिंग हो गया, सूट हो गया मेजर प्रोसीडिंग और वो मिनी प्रोसीडिंग हो गया, तो उसको सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का मतलब हुआ जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग है उसी प्रोसीडिंग में सब्सिक्वेंटली कुछ मैटर अराइज किया है तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कहते हैं। इसलिए इसको अलग से एक चैप्टर में बना दिया गया सहूलियत के लिए। सेक्शन का भी अरेंजमेंट पहले के अपेक्षा धीरे धीरे इम्प्रूव करते गया और उसको साइंटिफिकली अरेंज किया गया। इसलिए अगर कोई ये स्टूडेंट सीपीसी पढ़ना चाहते हैं, और ज्यादातर लोगों को ये भ्रम है कि सीपीसी बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ने का नजरिया और समझने का तरीका अगर ये मालूम है तो आपको सीपीसी बहुत ईजी लगा, इवन सीआरबी से आसान है सीपीसी। तो पहले क्या फोकस करना है कि सीपीसी का अरेंजमेंट क्या है, और अरेंजमेंट में आप ये साइंटिफिकली देखिएगा तीन पार्ट में अरेंजमेंट है, सेक्शन ऑर्डर के साथ साथ रूल्स है, उसके बाद थर्ड पार्ट है वो अपेंडिक्स है, और अपेंडिक्स में भी कई अपेंडिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है अपेंडिक्स, तो वो अपेंडिक्स में भी साइंटिफिक अरेंजमेंट है कि कौन सा अपेंडिक्स में क्या चीज है, उसको ग्रुप वाइज बनाया गया, एक अपेंडिक्स में एक ग्रुप का मैटर रखा गया, दूसरे अपेंडिक्स में दूसरे ग्रुप का मैटर रखा गया, तीसरे में तीसरे ग्रुप का रखा गया। तो इस तरह से पहले तो हमको ये जानना है कि तीन मेजर पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट सेक्शन, मिडिल पार्ट है ऑर्डर एंड रूल, एंड थर्ड पार्ट इज लास्ट पार्ट जो है वो अपेंडिक्स है। अब सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की बात कर रहे थे, तो इसको समझने के लिए जो सीपीसी बुक है उस बुक में आप देखेंगे चैप्टर वाइज एक बार उस पर निगाह डालेंगे, कंटेंट्स जो है जिसको विषय सूची कहते हैं, तो उसका भी अरेंजमेंट बहुत साइंटिफिकली किया गया है। जब ओरिजिनल सीपीसी था, सेकेंड टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, उस वक्त तक भी इतना साइंटिफिक अरेंजमेंट सीपीसी में नहीं था, तो इसलिए थर्ड टाइम में उसको ज्यादा साइंटिफिकली अरेंज किया गया और कुछ शॉर्टन किया गया ताकि आसानी हो। पहले ये पता नहीं चलता था कि एक प्रोविजन यहां पर है और उससे को रिलेटेड प्रोविजन या सप्लीमेंट्री प्रोविजन दूसरे जगह पर है, तो खोजने में, उसको अप्लाई करने में, समझने में काफी डिफिकल्टी होती थी। तो अब जैसे आइए चैप्टर पार्ट फोर का जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है उसका सेक्शन 94 और सेक्शन 95, ये दो सेक्शन है। अब उससे आपको पावर का क्या क्या दिया हुआ है सेक्शन 94 और सेक्शन 95 में, ये आपको पता चलेगा। अब उस पावर को कैसे एक्सरसाइज करेंगे वो आगे समझाएंगे, पहले इसको देखिए सेक्शन 94 क्या कहता है और सेक्शन 95 क्या कहता है। सेक्शन 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में ए बी सी डी ई करके चार कैटेगरी बनाया हुआ है, और इसी में पावर आपका दिया हुआ है जो कि सब्सिक्वेंट टू फाइलिंग ऑफ सूट वो मैटर अराइज करेगा, इसीलिए उसको सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कहते हैं। और दूसरा एक वर्ड है इंटरलोकेटरी भी बोलते हैं, इंटरलोकेटरी इसलिए बोलते हैं कि अभी सूट फाइल हुआ, फाइनल एडजुडिकेशन हुआ नहीं, जजमेंट हुआ नहीं, तो इन बिटवीन फाइलिंग ऑफ द सूट एंड डिस्पोजल ऑफ द सूट अगर कोई मैटर अराइज करता है तो उसको इंटरलोकेटरी मैटर कहते हैं या इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स भी कह सकते हैं। तो पहला पावर जो है आपका सब क्लाउज ए में लिखा हुआ है,
इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट। बहुत से लोग समझते हैं कि सीपीसी में हम वारंट कैसे इशू कर सकते हैं, वो कब होगा ये तो दूसरा टॉपिक में अगले अगले वीडियो में आप सुनेंगे कि क्या क्या पावर है, पावर जब सीपीसी में आप क्या क्या पावर एक्सरसाइज करेंगे और कैसे करेंगे उस पर डिटेल में चर्चा होगी। अभी सिर्फ यहां पर सिर्फ पासिंग रेफरेंस के लिए बता रहे हैं। दूसरा सब क्लॉज बी में है डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी। कई स्टेज में सिक्योरिटी देने की आवश्यकता पड़ती है सिविल ट्रायल में भी। तीसरा है ग्रांट ए टेम्पररी इंजंक्शन, जैसा कि अभी हम आपको बताए ओपनिंग लाइन में कि आपको पावर सेक्शन देता है, तो इंजंक्शन का हमने उदाहरण दिया। तो इंजंक्शन में आप सब क्लॉज सी 94 का सब क्लॉज सी देखेंगे तो सब क्लॉज सी में आपका पावर है ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन। और उतना ही नहीं, अगर टेम्पररी इंजंक्शन दिया उसका कोई वायलेशन हुआ तो उसमें भी ये भी लिखा हुआ है एंड इन केस ऑफ डिसोबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ टू सिविल प्रिजन एंड ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी वी अटैच्ड एंड सोल्ड। तो इंजंक्शन देने का जहां पर आपका पावर है वहां पर डिसोबीडियंस होने पर उसको पनिश करने का भी पावर है, और वो पनिशमेंट क्या होता है, सिविल प्रिजन भी हो सकता है या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, ये भी इसमें लिखा हुआ है सेक्शन में। उसके बाद है डी में है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो रिसीवर अगर अपॉइंट करते हैं तो रिसीवर कैसे काम करेगा, क्या करेगा, उसका ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सब उससे ऑटोमेटिकली अटैच सिचुएशंस अराइज कर जाता है जिसके बारे में बताएंगे रूल्स रेफर करके। उसके बाद आपको ई में है मेक सच अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। ये वर्ड आपको कई जगह मिलेगा सीपी में, जस्ट एंड कन्वीनियंट, इसीलिए सीपीसी में एक सेक्शन बना दिया गया है सेक्शन 151 जो आप सभी जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट पावर। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन इस बात का होता है कि सेक्शन 151 कोर्ट को पावर देता है, ऐसी बात नहीं है। पावर पर्टिकुलर सेक्शन जिस सब्जेक्ट का आप पावर एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए अलग अलग सेक्शन में पावर वेस्ट किया हुआ है, तो वो सेक्शन से आपको पावर मिलता है। 151 पावर देता नहीं, बल्कि हर कोर्ट कानून के अंदर, हर कोर्ट जिस कानून के तहत, जिस स्टैट्यूट या लॉ या कोर्ट के तहत वो कंस्टिट्यूट होता है, तो एवरी कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ इस कंस्टिट्यूशन हैज गॉट इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर आपको है, वो इनहेरेंट पावर को सेव करता है सेक्शन 151 सीपीसी। तो वो पावर कब एक्सरसाइज करना है और कब नहीं एक्सरसाइज करना है ये समझने की आवश्यकता है। तो उसको एक लाइन में यहां पर अभी समझिए, वो एक लाइन ये है कि जहां भी आपको कोई ऐसा आदेश पारित करने की आवश्यकता हो और उसके संबंध में पूरे सीपीसी में कोई सेक्शन में प्रावधान नहीं हो, मींस आपको वैसा ऑर्डर पास करने के लिए कोड में एक्सप्रेस कहीं पावर कन्फर किया हुआ नहीं है, या इम्प्लाइडली भी पढ़ने से नहीं पता चल रहा है कि आप ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर ऐसा है तब आप 151 में वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 151 में पावर एक्सरसाइज करेंगे तो 151 पढ़ने से ये नहीं पता चलता है कि आप कौन सा पावर एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए यहां पर 151 को एक नजर देखने की आवश्यकता है और तब फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब 151 देखिए, 151 क्या कहता है, 151 कहता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। जैसा कि मैंने बताया जो हेड नोट होता है सेक्शन का वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, उससे ये पता चलता है कि सेक्शन में क्या प्लेसमेंट है, लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था यहां पर प्रावधान बनाने के लिए, वो हेड नोट से रिफ्लेक्ट होता है। तो हेड नोट दिया हुआ है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। हेड नोट उसको कहते हैं जो हर सेक्शन में हेडिंग जो दिया रहता है, जो बोल्ड में प्रिंटेड रहता है, वो हेड नोट कहलाता है। तो हेड नोट लॉ का जो प्रोसीज्योर है, जो पार्ट है, वो पार्ट नहीं, वो समझने के लिए दिया हुआ है।
एक्चुअली जो सेक्शन है, जो वर्डिंग सेक्शन में यूज किया गया है, उसको पढ़ने की जरूरत है। तो सेक्शन 151 का हम पढ़ के आपको बता रहे हैं, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज एफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। देखिए कितना सिग्निफिकेंट है, हेड नोट बनाया गया सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, मींस कोर्ट को कोई इनहेरेंट पावर है और जो इनहेरेंट पावर कोर्ट को है उसको सेव करने के लिए, मतलब सुरक्षित करने के लिए एक अलग से प्रावधान सीपीसी में बनाया गया। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि एवरी कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट इनहेरेंट पावर। तो जैसे ही आप एज ए मुंसिपल सब्जेक्ट कोर्ट के प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो उस कोर्ट को, मीन्स उस प्रेजाइडिंग ऑफिसर को ये पावर ऑटोमेटिकली वेस्टेड है। दिस पावर इज विद इन यू, इनहेरेंट पावर, और 151 उसको प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है कि वो आपको कहीं से भी जो सीपीसी में लिखा हुआ है, जो जो पावर दिया हुआ है हर सेक्शन में, वो पावर आपके इनहेरेंट पावर को कर्टेल नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस पावर माने सेक्शन 151 इज इन एडिशन टू द पावर विच इज ऑलरेडी देयर इन द सेक्शन, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री इसलिए कहा जाता है कि आप अगर इंजंक्शन का, हमने उदाहरण से समझाया, इंजंक्शन अगर आप देना चाहते हैं और इंजंक्शन का अगर डिसओबीडियंस हुआ तो उसको पनिश करना चाहते हैं, तो दोनों पावर आपको 94 सेक्शन में दिया हुआ है, तो उसके लिए 151 में आने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पावर ऑलरेडी पर्टिकुलर सेक्शन में कोर्ट को वेस्टेड है वो पावर 151 में एक्सरसाइज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये आप ध्यान में रखिए। जो पावर ऑलरेडी वेस्टेड है सेक्शन के द्वारा वहां पर 151 नहीं रहेगा। इसका लोग मिसयूज बहुत करते हैं और लोग कभी कभी कंफ्यूज भी कर जाते हैं। हमारा अनुभव है हर इंजंक्शन के पिटिशन में देखते हैं कि लोग सेक्शन 94 तो नहीं लिखते हैं, इधर ध्यान नहीं देते हैं, वो ऑर्डर 39 लिखते हैं, क्योंकि ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में वो होता है, ऑर्डर 39 एंड 1 रूल 2 में होता है इंजंक्शन, इसलिए वो प्रावधान लिखते हैं, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन उसमें 151 जरूर लगा देते हैं। तो 151 का लगाना मिसयूज है, रिडंडेंट है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि समझते हैं कि ऑर्डर 39 में केस नहीं बन रहा है, आइदर रूल 1 या रूल 2 का, तब प्लीक लेते हैं कि 151 में कर दिया जाए। तो ये प्रॉपर नहीं है, ये इलीगल नहीं है लेकिन प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह है कि जो लॉयर ये प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह का लिखते हैं, दैट पर्टिकुलर लॉयर हैज गॉट नो क्लैरिटी अबाउट इट, दैट इन विच कैटेगरी हिज पिटिशन विल कम, किस कैटेगरी का उनका पिटिशन होगा। तो वहां पर लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज और सम कंफ्यूजन, ये तीन कारण है जिसके वजह से ही लिखा जाता है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर लोग को भी देखते हैं जो ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें भी ये गलती कर देते हैं, 151 भी लगा देते हैं। अगर लगा हुआ है तो ओपनिंग लाइन में ही आप लोग को कहना चाहिए था कि ये 151 का केस नहीं, इट इज ए केस अंडर सेक्शन 39 रूल 1 और रूल 2 और 1 एंड 2 बोथ। 151 का केस अलग है, जब ये ऑर्डर 151 का केस तभी होगा जब आप ये कहेंगे कि ऑर्डर 39 के रूल 1 एंड 2 से ये कवर नहीं है, सेक्शन 94 सीपीसी के सब क्लॉज सी में जो पावर ऑफ इंजंक्शन है उसके तहत नहीं है, तब हम सेक्शन 94 का सब क्लॉज ई रेड विथ सेक्शन 151, क्योंकि 94 का ई कहता है मेक सच अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एज मे अपियर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। तो फिर यहां पर आइए 151 में, तो 151 में भी क्या कहता है, कब एक्सरसाइज करेंगे, सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। यहां पर दो वर्ड यूज किया है लेजिस्लेशन ने, एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। ये दोनों को प्रिवेंट करने के लिए आपको सीपीसी में स्पेशल कोई सेक्शन नहीं,
अगर कोई प्रोसीजर को मिसयूज कर रहा है कोई पार्टी, तो आप 151 में उसको चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। या किसी को इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ, आपको जस्टिस करना है, तो आप 151 के तहत वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बल मिलता है, चूंकि सब इंटरलोकेटरी मैटर है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर होगा, सूट के बाद होगा, तो इसीलिए सब क्लाउज E94 में भी बना दिया गया है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मेक सच अदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। तो यहां पर वर्ड है 94 में जस्ट एंड कन्वीनियंट, और यहां पर है एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो इससे यह पता चलता है कि अरेंजमेंट सीपीसी का है जो सेक्शन में बनाया गया और ऑर्डर में बनाया गया, यह बहुत साइंटिफिक है। अब इसी में देखिए ऑर्डर 39 में क्या क्या बनाया गया प्रावधान। वहां तो पावर दे दिया गया इंजंक्शन का, अभी कंप्लीट प्रोसीजर क्या होगा इंजंक्शन का शुरू से अंत तक, वो ऑर्डर 39 में आपको मिलेगा। अब जैसे रूल वन है, ऑर्डर 39 का रूल वन है, केसेज इन विच टेम्पररी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड, तो क्लासिफाई किया हुआ रूल वन में कि किस केस में इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा, और उसका कैटेगरी है ए बी सी। तो अगर आप समझे हैं अच्छा से प्रावधान, आपको क्लैरिटी है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, तो आप अपना पिटीशन फ्रेम कर सकते हैं ए में, बी में, सी में, और जहां पर ओवरलैप करता है तो दोनों प्रोविजन दे सकते हैं। और जो रूल वन में नहीं आता है तो वो रूल टू है। रूल वन एंड रूल टू क्वाइट डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये मिसयूज हो रहा है और लोग गलत हर एप्लीकेशन में लिख देते हैं। ये ट्रेडिशनल हो गया या कस्टमरी हो गया है कि हर इंजंक्शन के पिटीशन में रूल ऑर्डर 39 रूल वन एंड टू दोनों लिख देते हैं। अगर वन में आएगा तो टू नहीं होगा, टू आएगा तो वन नहीं होगा। बोथ ऑपरेट्स इन ए डिफरेंट फील्ड। वहां कहता है तीन कैटेगरी में कि इंजंक्शन कब होगा, और रूल टू कहता है इंजंक्शन टू रेस्टेन रेपिटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। ये ब्रीच को रोकने का जब ऐसा मैटर होगा, केस होगा, तभी अप्लाई करेगा, इसलिए यहां पर। उसके बाद रूल टू ये कहता है कंसिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन क्या कंसिक्वेंसेज होगा। तीसरा रूल कहता है कि अगर एक्सपार्टी इंजंक्शन करना हो तो क्या होगा, अप्लीकेशन अगर एक्सपार्टी अलाउ कर दिया गया है तो कितना दिन के अंदर कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए क्या होगा, ये सो एंड सो फोर्थ। ये सब रूल में सब प्रावधान बना हुआ है, टोटल इस चैप्टर में 10 रूल है। तो इसी तरह से आप हर इंटरलोक्यूटरी मैटर में या सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के अंतर्गत देखेंगे कि पावर आपको सेक्शन से मिला है और उस पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है, ये ऑर्डर और रूल से पता चलेगा। तो सेक्शन भी पढ़ना जरूरी है या जानना जरूरी है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगर सपोज कर लीजिए कि किसी पिटीशन में इंजंक्शन नहीं, इंजंक्शन के पिटीशन में कोई सेक्शन या कोई ऑर्डर रूल नहीं लिखा गया, तो इस ग्राउंड पर कोर्ट को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा केसेस देखने को मिला है कि लोग दो तरह से रिजेक्ट कर देते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनको कम अनुभव है, कि इसमें प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं दिया हुआ है, इट इज नॉट मेंटेनेबल, या ये लिख देते हैं कि प्रोविजन लॉ गलत दिया हुआ है, इसमें ये पिटीशन नहीं चलेगा, तो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि देना जरूरी है, तो जो भी पार्टी पिटीशन फाइल करता है उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप प्रोविजन ऑफ लॉ लिख दीजिए, या अगर आप देखते हैं कि गलत प्रोविजन ऑफ लॉ लिखा हुआ है तो आप उनको कह सकते हैं कि आप डायरेक्शन दे सकते हैं, वर्बल या रिटेन ऑर्डर शीट में भी ला करके दे सकते हैं कि आप इसको करेक्ट कीजिए। एडवोकेट्स के लिए भी ये जानना जरूरी है कि हम किसी भी वक्त कोई पिटीशन अगर फाइल करते हैं तो उसको प्रोविजंस को फाइल करने के पहले देख लेना चाहिए। इट इज ए गुड हैबिट टू गो थ्रू द बुक, बारंबार देखने की आवश्यकता है, शास्त्र को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। शास्त्र सुचिंती पुनि पुनि बाचे पुनि पुनि सोचे, तो ये न्याय शास्त्र है।
जैसे धर्म शास्त्र है, अलग अलग शास्त्र का बहुत सा पाठ है, तो उसमें ये न्याय शास्त्र है, तो न्याय शास्त्र को भी बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, खास के जो बिगिनर्स हैं इस प्रोफेशन में, या तो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, या जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए भी जरूरी है, लॉयर्स जो बिगिनर्स स्टेज में है उनके लिए भी जरूरी है, और नए जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी जरूरी है। तो सभी के लिए जरूरी है कि अगर कोई प्रावधान देखने का मौका मिला है तो जब भी उसको दोबारा फिर मिले तो ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं इसलिए किताब देखने की आवश्यकता नहीं। किताब ही फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है, लॉ के क्षेत्र में किताब हमेशा का आपका साथी है। कोई सीनियर कलीग, चाहे जुडिशियल ऑफिसर हो या लीगल प्रैक्टिशनर हो, जो कहते हैं उनको सुनिए, समझिए और परखिए। परखने का तरीका क्या है कि आप बुक का सहारा लीजिए। यू मस्ट बी श्योर एट योर ओन लेवल दैट व्हाट एवर एडवाइस यू हैव बीन गिवन बाय एनी सीनियर कलीग, आइदर ही इज अ सीनियर जुडिशियल ऑफिसर और ही इज अ सीनियर एडवोकेट, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर हो सकता है कि उस एरिया पर उनका फोकस नहीं हो या उनको उतना नॉलेज नहीं हो या डेप्थ नहीं हो, और वो कुछ अपने अनुभव से या कॉमन सेंस से आपको कुछ उन्होंने राय दे दिया, और या भी मान के कि सीनियर ने कहा है वो एडॉप्ट कर लिया, तो यू मे कमिट रॉन्ग, आपसे गलती हो सकती है। इसलिए हमेशा उसको कन्फर्मेशन करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, स्वयं समझना चाहिए और बुक के रेफरेंस से ही करना चाहिए। तो इसलिए ये भी हमारा अनुभव कहता है, जो एक तरह से ये मूल मंत्र समझिए पढ़ने और समझने का। तो जब प्रोविजन लॉयर्स लोग लिखते हैं पिटिशन, तो प्रोविजन भी लिखना चाहिए, प्रोविजन लिखना बहुत आवश्यक है। अगर प्रोविजन नहीं लिखते हैं तो इस ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं होगा, लॉ आप समझ रहे हैं और सबको समझना चाहिए, बेंच या बार दोनों तरफ ये सब। अगर हम प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं लिखते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने जजमेंट में वो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज सपोज्ड कि इसी सेक्शन में वो फाइल हुआ है या इसी ऑर्डर के तहत वो फाइल हुआ माना जाएगा। आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि दो दिस पिटिशन हैज बीन फाइल्ड विदाउट मेंशनिंग एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, बट नन दी लेस इट अपियर्स दैट इट इज एन इंजंक्शन पिटिशन, सो इट इज ट्रीटेड एज ए पिटिशन फाइल्ड अंडर सेक्शन ऑर्डर 39 Rule 1 CPC। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देन पढ़ने से जो पता चलेगा उसके कंटेंट से या प्रेयर से, तो आप उसको अपने ओपनिंग लाइन में, जजमेंट में, ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक एक डिटेल में तो आवश्यकता नहीं, आप समझ गए, जस्ट हम एक हिंट दे रहे हैं अरेंजमेंट सीपीसी के बारे में, ताकि ई हमेशा ध्यान में रहे और गलती नहीं हो। तो सेक्शंस, हर सेक्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उस पर सिर्फ इतना ही देखना है कि चैप्टर वाइज जो कंटेंट्स बना हुआ है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, और उस सिग्निफिकेंस के आधार पर आपको जब भी आवश्यकता हो, आप अगर ऑर्डर लिख रहे हैं जय प्रेजिडिंग ऑफिसर, तो आप उसको देखिए, किताब सामने रखिए, सेक्शन को पढ़ लीजिए, पिटीशन को पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्शन को पढ़ लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिए, पढ़ के सारा फैक्ट्स एसिमुलेट कर लीजिए, तब लॉ को अप्लाई कीजिए। सेम रोल लॉ एडवोकेट का भी है, एडवोकेट भी अगर लिख रहे हैं तो लिखने के पहले बुक निकाल लेना चाहिए, और फैक्ट्स जो उनके सामने है, फैक्ट्स का तो मास्टरी लॉयर को होना ही चाहिए, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में फैक्ट्स का मास्टरी नहीं होगा तो अच्छा से वो पिटीशन ड्राफ्ट नहीं कर सकेंगे या प्लीडिंग्स नहीं बना सकते हैं। तो फैक्ट्स को एसिमुलेट करके लॉ के किस प्रोविजन के हिसाब से कौन सा फैक्ट्स लिखना है, ये लॉयर को सोचना चाहिए और उस हिसाब से ड्राफ्ट करना चाहिए, प्रोविजन ऑफ लॉ देना चाहिए, और बाद में अगर जरूरत पड़ा तो उसको प्रोविजन ऑफ लॉ आर्गूमेंट के टाइम में आप दिखाइए, अपने आर्गूमेंट के सपोर्ट में आप रेलिवेंट जजमेंट दिखाइए। ये सब साफ जो लोग प्रैक्टिस में सब जानते हैं, उसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि तीन पार्ट में होने का सिग्निफिकेंस क्या है। तो फर्स्ट पार्ट आप समझ गए, सेकेंड पार्ट भी समझ गए ऑर्डर एंड रूल का, अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट अपेंडिक्स है, ये हमेशा रेन शैडो में रहता है, इधर कभी ध्यान ही नहीं जाता है। हालांकि एक्ट में प्रावधान बना दिया गया है, लेकिन वो सब सेक्शन लोग पढ़ेंगे, सब रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन
जो तीनों को जोड़ता है, जो लिंक करता है, सेक्शन ऑर्डर एंड रूल्स को जो लिंक करने वाला प्रावधान है, चेन जो है वो चेन पर ध्यान नहीं गया है। तो वो चेन को अगर आप समझ लीजिएगा, बेसिक प्रोविजन को समझ लीजिएगा, तो आप इंपॉर्टेंस समझ लीजिएगा कि अपेंडिक्स में जो फॉर्म दिया हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंस है, और उसका वायलेशन अगर होता है या उसको हम एडॉप्ट नहीं करते हैं सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स में, तो उसका क्या कंसिक्वेंसेज होगा। तो आप अपेंडिक्स पर आइए, अपेंडिक्स में देखिएगा, सबसे पहले अपेंडिक्स में ए मिलेगा आपको। ए में क्या है? ए में प्लीडिंग्स है, हेड में ही मिलेगा। अपेंडिक्स में फॉर्म सब प्रेस्क्राइब है, तो कौन सा फॉर्म्स प्रेस्क्राइब है? तो अपेंडिक्स ए में प्लीडिंग्स का फॉर्म्स बनाइए। प्लीडिंग्स का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में प्लीडिंग्स के बारे में बताए हैं, रिटेन स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों प्लीडिंग्स के कैटेगरी में आता है। जो ऑर्डर सिक्स उसको डिफाइन करता है, ऑर्डर सिक्स में प्लीडिंग्स के बारे में पूरा प्रावधान है, और ऑर्डर सेवन में प्लेंट के बारे में पूरा प्रावधान है, प्लेंट किसको कहेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और ऑर्डर एट में रिटेन स्टेटमेंट के बारे में। तो प्लीडिंग्स कितने तरह के होते हैं? सीपीसी में आप सभी जानते हैं कि जितना भी सूट, एवरी सूट ऑफ सिविल नेचर इज कॉग्निजेबल बाय ए सिविल कोर्ट। तो जितना भी सिविल नेचर का सूट है सब कॉग्निजेबल बाय सिविल कोर्ट है। तो सिविल नेचर का सूट है तो उसका तो कोई कैटेगरी में बांटा ही नहीं जा सकता, एक दो तीन चार पांच। नॉर्मली जो सिविल कोर्ट में केसेस होता है, जो एज ए प्रैक्टिशनर जो मेरा अनुभव है, और अलग अलग एरिया में कुछ वैरी करता है पूरे कंट्री में, और आज से 50 साल पहले बिफोर इंडिपेंडेंस जिस तरह का कुछ सूट होता था वो सब अब नहीं होता है, तो बहुत सा कारण है। लेकिन आज के तारीख में मोस्टली जो सूट आता है वो जनरली आता है पार्टीशन सूट, टाउन एरिया जहाँ है वहाँ पर एविक्शन सूट आता है, उसके अलावा मॉर्गेज सूट आता है। तो मॉर्गेज सूट में रिडम्पशन का भी आता है, सेल का भी आता है, फोरक्लोजर का भी आता है, अब ये सब बहुत कम हो गया, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ज्यादा आता था। उसके अलावा बैंक्स का भी आता है, तो बैंक का जनरली मॉर्गेज सूट या मनी सूट होता है, तो मनी के रिकवरी के लिए मनी सूट होता है। कॉम्प्लिकेटेड टाइटल सूट भी होता है, उसमें डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल भी हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को सेट असाइड करने या डिक्लेयर करने के लिए भी आ सकता है। बहुत सा मैटर ऐसा है कि ऑफिस के लिए कोई ट्रस्ट है उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, या कोई मठ है तो मठाधीश कौन होगा, जहां पर सिविल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसका भी सूट आता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सूट आता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आता है, डैमेजेस के लिए आ सकता है, अगर कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है तो वहां भी आ सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आता है, सो एंड सो फोर्थ। बहुत तरह का केस आते रहता है सिविल कोर्ट में, जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिशनर है या जो जजेज हैं ऑलमोस्ट सभी लोग उससे वाकिफ हैं, सब लोग जानते हैं, और जो लॉ स्टूडेंट हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन आज वो भी सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि कितना तरह का केस सिविल कोर्ट में होता है, और उसका कोई अंत नहीं है। जहां पर सिविल नेचर का होना चाहिए वो डिस्प्यूट सिविल नेचर का होना चाहिए, किसी का स्टेटस के बारे में कहा जाए तो भी सूट आ सकता है, मैरिज के बारे में है तो भी सूट आ सकता है, किसी का मैरिटल स्टेटस है कि नहीं तो भी सूट आ सकता है, सिविल राइट से संबंधित है, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग अगर कहीं पर है कोई, तो उसके लिए पहले तो सूट होता था, अब बहुत सारे स्टेट में अलग अलग जो लॉ बन गया है अलग अलग डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटीज का, इंडस्ट्रियल लॉ में तो बहुत सा सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बाढ़ हो गया है, तो वो अलग अलग फोरम बन गया है, बहुत सा ट्रिब्यूनल बन गया है, इवन बैंक के केस में भी बैंक का ट्रिब्यूनल बन गया है, तो बैंकिंग केस ट्रिब्यूनल में चला जाता है, तो अभी बहुत सारे ट्रिब्यूनल बन गए हैं सिविल कोर्ट के और हाई कोर्ट के वर्डन को कम करने के लिए। तो अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही फोकस करना है कि बहुत तरह के सिविल सूट्स होते हैं, और सिविल सूट्स होते हैं तो उनके लिए प्लीडिंग का एक स्पेसिमेन ये फॉर्म में दिया हुआ, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस स्पेसिमेन में जो पर्टिकुलर चीज दिया हुआ, जनरल फॉर्मेट बनाया हुआ है,
तो उस हर फॉर्म में आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ रेलिवेंट है, और उसको अगर आप ओमिट करते हैं तो आपका प्लीडिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या उस प्लीडिंग के आधार पर आप सक्सेसफुल सूट में नहीं होंगे। एक एक करके डिटेल तो बताना संभव नहीं है, लेकिन फॉर क्विक रेफरेंस आपको हम बताते हैं, अपेंडिक्स ए में फॉर्म नंबर 47 एंड 48 आप लोग देखिएगा। अगर कोई वीडियो, वैसे लॉ प्रैक्टिशनर या जुडिशियल अफसर जो वीडियो देख रहे हैं, मेरा क्लास अटेंड किए हैं या नहीं भी किए हैं, सबों के लिए, अगर जो क्लास अटेंड किए हैं तो बहुत से लोग जानते हैं और कई बार इस पर हम लेक्चर दे चुके हैं। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह का प्लीडिंग होता है, और उसका फॉर्म बना हुआ है 47 एंड 48। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए हम बताना चाहते हैं, डिटेल पढ़ के और बताने की आवश्यकता नहीं है, कि ये अगर कोई आज के तारीख में सिविल कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, जिसको एग्रीमेंट फॉर सेल कहते हैं, या हिंदी में उसको संविदा कहते हैं, विक्रय संविदा या विक्रय मनोबंध, या उर्दू में उसको बोलते हैं बय बयाना, कहीं पर उसको जर बियाना भी बोलते हैं, अलग अलग प्रदेश में और अलग अलग लैंग्वेज में, उर्दू में कोर्ट लैंग्वेज में चलता है तो उसको बय बियाना भी कहते हैं। तो उसके आधार पर सूट आता है तो उस सूट को बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए अलग एक्ट बना हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उस एक्ट के तहत प्रावधान दिया हुआ है, कोर्ट को जुरिडिक्शन दिया हुआ है, क्या क्या कब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डायरेक्शन करेगा, लेकिन उसका सारा प्रोसीजर और प्लीडिंग्स तो सीपीसी के हिसाब से होगा। तो इसीलिए ऑर्डर 48 फॉर्म नंबर 48 में और 47 में स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया गया, जो सब्सटेंशियल लॉ है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, उस सब्सटेंशियल लॉ के प्रोविजन को कॉपी करके उसका जिस्ट इस फॉर्म में डाल दिया गया है। अब वो जिस्ट क्या है, दो शब्द है, विलिंगनेस एंड रेडीनेस। वहां सेक्शन 15 में मिलेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में विलिंगनेस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट फॉर सेल या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के आधार पर सिविल कोर्ट में जाता है और प्लेंट फाइल करता है और वो रिलीफ मांगता है कि ये पर्टिकुलर डिफेंडेंट हमारे साथ एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने के बाद वो एग्रीमेंट से भाग रहा है और एग्रीमेंट के टर्म्स को वायलेट कर रहा है या इसने ब्रीच किया है, तो इसको डायरेक्शन दिया जाए कि वो एग्रीमेंट को परफॉर्म करे। इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मींस जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट ए एंड बी, तो जिसके अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टियों के बीच में, वो दोनों पार्टी का एग्रीमेंट एक खास प्रॉपर्टी के लिए, स्पेसिफिक आइटम के लिए और स्पेसिफिक काम के लिए हुआ, बेचने के लिए हो, लीज के लिए हो, और भी कोई भी एग्रीमेंट हो, या मान लिया कि कॉमर्शियल लॉ में है तो गुड्स वगैरह के डिलीवरी के लिए हो, और भी कुछ हो सकता है, कई तरह का हो सकता है, तो वो एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है कि वो डायरेक्शन दे सकता है, डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी पास्ड बाई ए सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट कब पास करेगा, किस परिस्थिति में पास करेगा, उसका क्या आधार होगा, ये सब डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लेकिन प्रोसीजर इंटायरली सीपीसी का ही होगा और सीपीसी में प्लीडिंग्स सीपीसी के हिसाब से ही होगा। तो सीपीसी के प्लीडिंग्स में वो कैटेगरी दो बनाया हुआ है 47 एंड 48, लेकिन दोनों में वो दो इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, विलिंगनेस एंड रेडीनेस। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेंटिफ जो कोर्ट में आता है रिलीफ मांगने के लिए, उसको ये दिखाना होगा पहले प्लीडिंग में कि आई एम विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो नहीं बोला है कहीं प्लीडिंग में तो इसी ग्राउंड पर उसका सूट फेल कर देगा। बहुत सा केस में देखने को मिलेगा आपको केस लॉ में कि सुप्रीम कोर्ट जा करके
नीचे का सभी जजमेंट अपसेट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि प्लेंट में विलिंगनेस एंड रेडीनेस लिखा हुआ ही नहीं था। तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म का, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं या उधर देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अगर देखते हैं तो उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं और उसके महत्व को नहीं समझते हैं। तो उसके महत्व को भी समझना जरूरी है। तो महत्व कब समझ में आएगा? उसको हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है और इसका लीगल फोर्स क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अपेंडिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्डर एंड रूल है और सेक्शन है सीपीसी का। तो तीन पार्ट में सुविधा के लिए साइंटिफिक अरेंजमेंट के जरिए बांटा गया है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये बाह्यात है और इसको क्यों दे दिया गया है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ये सब एक दूसरे का इंटरमिंगल्ड कह सकते हैं, काउंटर पार्ट है, अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन एक साथ उसको पढ़ने समझने और इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो जितना उत्तरदायित्व लॉयर्स का है इसको पढ़ने समझने का, उससे कम उत्तरदायित्व जुडिशियल ऑफिसर का नहीं है। दोनों को समान रूप से इसको समझना होगा, ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा। और आवश्यकता होने पर आपके पास मान लीजिए कि ऐसा कोई केस आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का और उसमें प्लीडिंग में है ही नहीं विलिंगनेस एंड रेडनेस के, और बाद में अगर कोई अच्छा वकील उसको देख लिया और इम्प्रूवमेंट के लिए उसने अमेंडमेंट दे दिया, चूंकि अमेंडमेंट का प्रावधान है, तो फिर ऑर्डर 6 रूल 17 का जो प्रावधान है अमेंडमेंट का, उसका जो पैरामीटर्स है उसके अंदर आप सुनेंगे दोनों पार्टी का, ऑर्डर करेंगे होने लायक है नहीं है। तो ऐसा केस मिलता है कि इनिशियल स्टेज में हो जाता है या पहले से कुछ उसका फैक्ट्स लिखा हुआ है और पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो परमिट कर दिया जाता है। कुछ केसेज ऐसा मिलेगा जिसमें कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के अमेंडमेंट्स रिफ्यूज हो गया, तो रिजल्ट क्या हुआ? सूट डिसमिस हो जाएगा। तो लॉयर की एक गलती से वो क्लाइंट का तो कोई गलती नहीं, क्लाइंट तो सारा पेपर्स दिया। अभी लीगल स्किल होना चाहिए जो लॉयर है उसका होना चाहिए कि हम प्लेंट बनाएंगे तो हमारा ड्राफ्टिंग कैसा होना चाहिए। और अगर वो ये जानता और ध्यान देता और देख लेता एक बार अपेंडिक्स तो उसको तुरंत ध्यान आ जाता। तो ऐसा बहुत सारा प्लीडिंग्स है जिसमें ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स छिपा हुआ है, उसको देखना और जानना जरूरी है। तो लीगल एस्पेक्ट्स में यही हुआ कि अगर फॉर्म को भी इग्नोर करते हैं, ऑर्डर या रूल को भी इग्नोर करते हैं और सेक्शन पर हम सिर्फ रिलाई करते हैं तो भी गलती हो सकती है। अगर सेक्शन को इग्नोर करते हैं और ऑर्डर एंड रूल पर सिर्फ रिलाई करते हैं तो भी गलती हो सकती है, और अगर ये दोनों को छोड़ के सिर्फ फॉर्म पर आते हैं तो भी गलती हो सकती है। तो तीनों का सामंजस्य बैठा करके जहां आवश्यकता हो, बहुत सा ऐसा है जिसका कि फॉर्मेट नहीं भी मिलेगा आपको, अपेंडिक्स में नहीं है तो वो उस पर आवश्यकता नहीं है, और कुछ ऐसा फॉर्म्स है जो सीपीसी में अगर नहीं है तो वहां पर कंसर्निंग सिविल कोर्ट रूल्स में है, उसको लोग अडॉप्ट करते हैं, और नहीं तो फिर उसको क्रिएट किया जाता है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। बहुत सा ऐसा मैटर में मिलेगा जो धीरे धीरे अनुभव से आपको प्राप्त होगा। तो आज आप ये समझ गए कि तीन पार्ट में सीपीसी को बांटने का ये जो निर्णय लिया गया, जब भी निर्णय लिया गया तो बहुत साइंटिफिक था, और आज उसका रिजल्ट मिल रहा है और आज भी उसी तरह से है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब इसको समझने के लिए और अब लीगल एस्पेक्ट्स भी आप देख सकते हैं, आप चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं, हम धीरे धीरे बोलेंगे, खास करके स्टूडेंट लोग नोट कर सकते हैं। सेक्शन 2D सीपीसी में सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, आप सभी जानते हैं ABCD सब लिखा हुआ है। तो सेक्शन सीपीसी में 2 में कोड का डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो कोड का डिफिनेशन नहीं है, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, उसका वर्डिंग आपको हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं, उसका वर्डिंग है जो बड़ा सिग्निफिकेंट है।
और एक और यहां पर जस्ट पासिंग रेफरेंस के लिए बताते हैं, हर एक्ट में मोस्टली सेक्शन जो होता है डेफिनेशन वाला या तो सेक्शन टू या सेक्शन थ्री होता है, और डेफिनेशन जो दिया जाता है तो उसका दो तरीका है। किसी किसी डेफिनेशन में आप देखिएगा वर्ड यूज होगा लेजिस्लेचर के द्वारा मींस, और किसी में होगा इंक्लूड्स, जैसे लैंडलॉर्ड मींस और टेनेंट इंक्लूड्स, तो दोनों में डिफरेंस है। पढ़ने और समझने का तरीका इसका चाहिए। मींस का मतलब है किसी भी सेक्शन में अगर कोई मीनिंग दिया गया हुआ और मींस लिखा हुआ है तो जो वहां लिखा हुआ वही उसका माने होगा, उसी को मानना है। उसके अलावे कोई ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग हो या लिटरेचर के हिसाब से उसका दूसरा मीनिंग हो, बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है इसका दो तीन मीनिंग होता है, तो वो नहीं मानना। जहां पर मींस लिखा हुआ है, मींस द लेजिस्लेचर्स इन देयर विजडम हैज रेस्ट्रिक्टेड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड या टर्म। लेकिन जहां पर यह लिखा हुआ है इनक्लूड्स, इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर ने उसको डिफाइन नहीं किया है, बल्कि लेजिस्लेचर ने उसके डेफिनेशन को, उसके माने को, जो उसका ऑर्डिनरी माने है जिसको डिक्शनरी मीनिंग बोलते हैं, उसके माने को एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया, और उसमें और भी दायरे में उसके फोल्ड में ले आया बहुत सारा चीज। इसलिए वैसा जहां पर होगा तो वहां वर्ड होता है इंक्लूड्स। अब इस इतना समझने के बाद अब देखिए सेक्शन टू का सब क्लॉज वन में ही लिखा हुआ है, कोड इंक्लूड्स रूल्स, है ना सिग्निफिकेंट। कोड का माने नहीं है, कोड का माने तो आप सभी जानते हैं कि ये स्टैट्यूटरी लॉ है। स्टैट्यूटरी लॉ मीन्स द लॉ विच हैज बीन फ्रेम्ड बाई द लेजिस्लेचर्स, सिंस इट इज अ सेंट्रल एक्ट इट वॉज लेजिस्लेटेड बाई द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी, उन लोगों ने ये कोड बनाया। तो कोड बनाया तो आप जो लीगल हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बता चुके हैं कि चूंकि ये इंडिपेंडेंस के पहले का एक्ट है, और इंडिपेंडेंस के पहले का एक्ट है तो एक्ट जो अभी हमारा पार्लियामेंट है वो स्वरूप नहीं था, लेजिस्लेटिव असेंबली अलग था उस जमाने में, तो उसके द्वारा पारित है, बाद में रिफॉर्म होते गए। अब पार्लियामेंट ने उसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, 1955 में अमेंडमेंट हुआ था, थोड़ा मेजर अमेंडमेंट था। उसके बाद 1977 में भी मेजर ही अमेंडमेंट था, लेकिन 99 में ड्रेस्टिक अमेंडमेंट किया गया जो कि इंप्लीमेंट हुआ 2002 में। तो यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन टू सब क्लाउज वन में, कोड इंक्लूड्स रूल्स, है ना सिग्निफिकेंट। आप डिग्री के डिफिनेशन देखे होंगे, डिग्री होल्डर के डिफिनेशन देखे होंगे, और अदर जजमेंट, जज क्या है, हाई कोर्ट का क्या है डिफिनेशन, मीन प्रॉफिट क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये सारा डिफिनेशन दिया हुआ है। पब्लिक ऑफिसर किसको कहते हैं, सब सीपीसी में दिया हुआ, वही डिफिनेशन सेक्शन टू में ए बी सी डी बना हुआ है, लेकिन रूल वन में ही लिखा हुआ है कोड इंक्लूड्स सेक्शन टू के डिफिनेशन वाले सेक्शन में सब क्लॉज वन में कोड इंक्लूड्स। तो कोड मीन्स दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, विच इज ए कोडिफाइड लॉ। कोड कोड इसलिए कहते हैं ये कोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड लॉ मतलब ये कोड के रूप में बनाया गया लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करके, इसीलिए इसको कोड बोलते हैं। और जनरली प्रोसीजर लॉ को ही कोड बोलते हैं, और जो सब्सटेंसिव लॉ है उसको एक्ट बोलते हैं। तो बोथ आर एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स, सीआरपीसी एंड सीपीसी। तो चूंकि सीआरपीसी अभी जिसको हम लोग देख रहे हैं तो 1973 में बना, तो इंडियन पार्लियामेंट ने बना, पुराना सीआरपीसी इंडियन पार्लियामेंट का नहीं था, तो ओल्ड सीआरपीसी आइए न्यू सीआरपीसी कहते हैं, तो 73 से काफी दिन ये भी हो गया। तो इसलिए आप ये जानिए कि सीपीसी जो कोड के रूप में हम लोग कहते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या लोग सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, दोनों तरीके से इसको बोला जाता है। तो आप सभी जानते हैं
कि कोड का मतलब सिर्फ सेक्शन और ऑर्डर, कोड का मतलब सेक्शन और ऑर्डर, यहां तक सभी लोग जानते हैं, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ऑर्डर नहीं लिख करके लिखा गया यहां पर रूल्स, तो इससे पता चलता है कि ऑर्डर इज अंडरस्टूड, क्योंकि रूल अकेले नहीं है, कोई भी रूल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो रूल है जो ऑर्डर के साथ है। जैसे ऑर्डर 39 हमने रेफर किया था, ऑर्डर 39 में 1, 2, 3, 4, 5, 10 रूल्स है। तो जब रूल लिख दिया गया इसका मतलब पूरा ऑर्डर्स आ गया उसमें, तो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो आ गए, इसलिए यहां कर दिया गया। अब दूसरा एक सेक्शन आपको मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन है आपका सेक्शन 121। अब सेक्शन 121 भी देखने की आवश्यकता है, लेजिस्लेशन क्यों बनाया, बार बार ध्यान इस पर क्यों आकृष्ट किया जा रहा है लेजिस्लेचर की ओर के, इसलिए किया जा रहा है कि अचानक चेंज किया गया जब थर्ड सीपीसी बना, तो सेक्शन से 1500-1600 सेक्शन को हटा करके ऑर्डर एंड रूल में कर दिया गया, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ शुरू में। कोई भी जब चेंजेज आता है किसी भी फील्ड में, तो चेंज सर्कमस्टांस में लोगों को थोड़ी ऑकवर्ड स्थिति रहती है, असहज लोग रहते हैं, उसको देखने समझने में समय लगता है। तो इसीलिए लेजिस्लेचर ने इस पर खास ध्यान दिया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, तो उन्होंने एक सेक्शन बनाया, वो सेक्शन है आपका 121। 121 का हेड नोट क्या दिया, ये पार्ट 10 में मिलेगा आपको, पार्ट 10 में रूल्स लिखा हुआ है, उस पार्ट का हेडिंग है रूल्स। तब सेक्शन 21 के हिसाब से पढ़िए रूल्स, इंक्लूड रूल्स, तो रूल्स का मतलब क्या हुआ, पार्ट 10 में जो रूल्स लिखा हुआ है। अब पार्ट 10 में रूल्स क्या है, और वो सेक्शन 121 है, वहां ऊपर में हेड नोट है उसका रूल्स, ध्यान दीजिए, और सेक्शन 121 लिखा हुआ है, मतलब वहां ऑर्डर रूल्स के रेफर ही नहीं कर रहा है, वो रूल्स जो है आपका सेक्शन 21 जो है वो कोड इंक्लूड्स रूल्स, मींस रूल्स का जो चैप्टर है सीपीसी में वो, और रूल्स का जो चैप्टर है वो पार्ट 10 में है, और वो सेक्शन है 121। और सेक्शन 121 का हेड नोट क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल, इफेक्ट ऑफ रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल कौन हुआ, जो ऑर्डर एंड रूल है वही है फर्स्ट शेड्यूल। तो यहां लिखा हुआ है द रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल शैल हैव इफेक्ट, द वर्ड शैल इज वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज मैंडेटरी, शैल हैव इफेक्ट एज इफ इनएक्टेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड। क्लियर कर दिया कि वो जो रूल है शेड्यूल में, मींस ऑर्डर एंड रूल वाला चैप्टर में जो रूल है, वो रूल माना जाएगा कि बॉडी ऑफ द कोर्ट में, मतलब इस कोर्ट को अगर एक शरीर मांगते हैं, तो जैसे हमारा हाथ पैर और अलग पार्ट्स है बॉडी का तो अभिन्न अंग है, उसी तरह से वो रूल्स जहां भी लिखा हुआ ऑर्डर के साथ उसी कोर्ट का अभिन्न अंग है, इसलिए हमने शुरू में कहा था इट इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कोर्ट। तो ये कहता है द रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल शैल हैव इफेक्ट एज इफ इनएक्टेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड अंटिल एनल्ड और ऑल्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो कौन एनल्ड, बाद में अमेंड हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, या आगे रूल्स में कहीं इससे कुछ ऑल्टरनेशन आ सकता है, तो इसलिए यहां पर ही लगा दिया गया अनलेस ऑल्टर्ड। तो ये कितना सिग्निफिकेंट हुआ, सेक्शन 21 कोड इंक्लूड्स रूल्स एंड सेक्शन 121 कहता है एज इफ द रूल्स आर पार्ट ऑफ द कोड, इट इज इनेक्टेड इन द बॉडी ऑफ द कोड। ये बॉडी में नहीं है, बॉडी ऑफ द कोड जो मेन बॉडी जो फ्रेम किया गया वो बॉडी सेक्शन है, चैप्टर वाइज सेक्शन 1 से लेकर के और 152, 153, 154 जो सेक्शन सब है, वो सेक्शन है जो बॉडी हुआ सीपीसी का। और ये बॉडी तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी जो है जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो मेन जो बॉडी का पार्ट हुआ जो ट्रंक है और बाकी लिम्स है, हाथ पैर ये सब है, तो वो इसी का अभिन्न अंग है। तो उसी तरह से आप समझते हैं कि अगर बॉडी है सेक्शन,
तो हाथ पैर उसका जो है ऑर्डर एंड रूल्स जो है वो समझिए हाथ है, और फॉर्म उसका अपेंडिक्स जो है तीसरा पार्ट वो पैर है। तब सब कंप्लीट मिला के एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनता है। तो सब मिला के एक कंप्लीट कोड बनता है जिसको हम लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं। तो सेक्शन 121 भी सीख, इतना ही नहीं लेजिस्लेशन ने फिर आगे एक स्टेप लिया और आगे उन्होंने ऑर्डर एक ऑर्डर 48 बना दिया कि कहीं भी ध्यान चूके नहीं आपका। ऑर्डर 48 भी देख लिया जाए क्या कहता है ऑर्डर 48, बड़ा सिग्निफिकेंट है, वो तीनों को पढ़ने की आवश्यकता है, ऑर्डर 48 और सेक्शन 121 और सेक्शन 21। ऑर्डर 48 एक अलग चैप्टर बनाया गया, इसका है मिसलेनियस हेड है। मिसलेनियस का मतलब अगर जो मेन हेड में कोई चीज नहीं आ रहा हो तो लास्ट में एक हेड क्रिएट कर दिया जाता है मिसलेनियस करके, कि बाकी बचा खुचा हो उसी हेड में डाल दिया जाए। तो अरेंजमेंट चूंकि साइंटिफिकली किया गया एक्शन सेक्शन वगैरह का, तो उसी लिए उसमें रूल 3 बना दिया गया। ऑर्डर 48 का रूल 3 उसमें हेड नोट उसका बनाया गया यूज ऑफ फॉर्म्स इन अपेंडिक्स। तो अब तक हम लोग कोड की बात किए, कोड के बाद रूल्स की बात किए, रूल्स 121 में था और 121 कहता है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उस रूल का माने फर्स्ट शेड्यूल, तो फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर एंड रूल दोनों है। और यहां पर आके कहता है कि नहीं, जो अपेंडिक्स है वो आपका दैट अपेंडिक्स शैल बी यूज्ड विद सच वेरिएशन, द फॉर्म्स गिवन इन द अपेंडिसेस विद सच वेरिएशन एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस मे रिक्वायर शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस देयर इन मेंशनड। उस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो किस पर्पस के लिए दिया गया था अभी हम पहले समझा चुके हैं फॉर्म नंबर 47-48 में। पर्पस क्या है, सिक्योर करना डिग्री फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट क्या है, विलिंगनेस एंड रेडीनेस। तो इसीलिए वो फॉर्म में वहां अपेंडिक्स में दे दिया गया। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये तीनों इंटरलिंक्ड है, तीनों पार्ट इंटरलिंक्ड है, इसलिए ये आप समझ गए। और इस पर दो जजमेंट आप नोट कर लीजिए, आप लोग को ये जजमेंट अगर इस पर कोई प्रश्न आया कुछ आया तो उसमें सुविधा होगी। पहला जजमेंट है AIR 1966 राजस्थान 261। हम रिपीट करते हैं, AIR 1966 राजस्थान 261। दूसरा जजमेंट है AIR 1983 पटना 278। AIR 1983 पटना 278। और तीसरा जजमेंट है 2004 ब्रैकेट में 6 SCC 378। SCC कहते हैं सुप्रीम कोर्ट केसेस को, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सिर्फ रिपोर्ट करता है। 2004 वॉल्यूम 6 SCC 378। पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम नोट कर सकते हैं क्योंकि AIR और अदर को रिलेटेड जो जर्नल है उसमें भी हो सकता है। पार्टी का नाम है फरीद जैकब, VARDED फरीद जैकब हर्षज सोसम्मा SOSAMMA सोसम्मा, फरीद जैकब हर्षज सोसम्मा। इसका पारा नंबर 5 और पारा नंबर 6 इस जजमेंट का पढ़िएगा। तो ये जो हम आपको अभी डिस्कस किए सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में, ये तो आपको जानकारी होगी, सेक्शन एंड ऑर्डर्स के बारे में भी जानकारी होगी, और इसमें आपको एक और नई जानकारी होगी। वो जानकारी क्या होगी, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के अलावे इसमें वर्ड यूज हुआ है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, एंसिलरी प्रोसीडिंग एंड इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग। ये सब वर्ड सिनोनिमस है, सबका यूज हुआ है, इसलिए आप लोग
इसको भी समझ लेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बताएंगे। तो आज ये समझिए जो सीपीसी का पार्ट वाइज मेरा लेक्चर सीरीज चलेगा उसमें आज बेसिक चीज अलग ढंग से जो हमने क्लास में ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया उससे अलग हट करके ये जनरल इम्पोर्टेंस के लिए जनरल सभी के लिए आज हमने इसको एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कि मेरे पहले वाला लेक्चर में और ये लेक्चर में कुछ ओवरलैप हो तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई उससे नुकसान नहीं होगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और लोग बराबर रिक्वेस्ट करते हैं कि छोटा वीडियो ही बनाया जाए। तो आज आप लोग के लिए हम स्पेशली ये वीडियो बनाए हैं और हमने सोचा है कि सीपीसी का टोटल 8 या 9 लेक्चर सीरीज में कवर कर लेंगे और टॉपिक वाइज कवर करेंगे ताकि हर टॉपिक पर क्लैरिटी हो और किसी कैंडिडेट को, या तो वे स्टूडेंट हो या बिगिनर्स लॉयर्स हो या न्यू कमर्स जुडिशियल ऑफिसर्स हो, कहीं भी किसी भी एरिया में डिफिकल्टी नहीं हो। हम प्रोविजन ऑफ लॉ भी बताते जाएंगे, हिंदी अंग्रेजी में समझाते भी जाएंगे, सेक्शन भी रेफर करेंगे और जरूरत हुआ तो जजमेंट भी आपको लिखा देंगे। अगर बाद में इसकी आवश्यकता पड़े किसी को तो हमारा वीडियो आप देखिएगा, अगर किसी पॉइंट पर जजमेंट आपको खोजना रहेगा तो हमारे वीडियो में वो जजमेंट आपको मिल जाएगा, तो आपको ये सुविधा होगी। इसलिए आज के लेक्चर यहीं पर हम एंड करते हैं। आप हमारा YouTube चैनल देखते हैं इसलिए आपको सभी को धन्यवाद और हमेशा देखते रहिए। और ये चूंकि न्यायशास्त्र है, कानून है, तो विधि विधान याद रखने के लिए पढ़ना जिसे बार बार जरूरी है, तो आप जब भी फ्री टाइम मिलेगा तो आप देख सकते हैं और फिर अपने उद्देश्य के लिए भी कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।